नमस्कार भाइयों, मैं आया हूँ नीम राणा की बावड़ी देखने के लिए। तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी का जो नज़ारा है वहाँ तक। ये देखो, ये सारी बावड़ी लोग घूमे हुए हैं और उधर नीम राणा का महल। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, इधर 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 देखो, यहाँ से ये चालू हो जाती है नीम राणा की बावड़ी। तो इधर से लेके उधर तक का ये गेट है अंदर जाने का, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये देखो, ये है इसका एक गेट और एक गेट उधर है, एक गेट उधर है, देखो ये रहा ये। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ अभी पहला गेट, इसका ये पहला गेट है। और ये बोर्ड लगा हुआ है, इस बोर्ड पे कुछ इंट्रैक्शन लिखे हुए हैं, आप देख सकते हो, संरक्षित स्मारक। ये देखो आप, ये टोटल बावड़ी, ये बावड़ी है नीम राणा की, टोटल 9 मंजिल की है। और मैं आपको इसको अंदर से दिखाऊंगा, लेकिन एक बार बाहर से दिखा देता हूँ इधर से। और ये है हमारे राकेश जी, राकेश जी हाय करो। ये हमारे राकेश जी हैं, देखो ये इधर से है नीम राणा की बावड़ी बाहर की तरफ से। एक बार मैं आपको बाहर की तरफ से ले जा के दिखा दूँ। आ राकेश, आ जा। ये टोटल 9 मंजिल की है और ये सन 1870 में बनाई गई थी नीम राणा की बावड़ी। ये मेन रोड पर है, नीम राणा हाईवे से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पे, आप कभी भी आ सकते हैं आप। ये देखो दोस्तों, ये कुछ पेड़ वेड़ लगे हुए हैं और मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो अंदर का नज़ारा, ये सारा अंदर का नज़ारा है, लोग यहाँ घूमने आए हैं। ये हमारे राकेश जी हमारे पीछे पीछे आ रहे हैं लग। ये देखो, ये नीम राणा की बावड़ी है, ये मैं दिखा देता हूँ आपको नीम राणा की बावड़ी अंदर तक। ये इधर का सारा नज़ारा, अरे राकेश एक मिनट, रुक, ना मैं चढ़ जाऊँगा, पीछे हो, हट जा। कुआ है, ये कुआ मैं आपको दिखाता हूँ अभी अंदर से। ये कुआ है पूरा, आप देख सकते हैं, अंदर तक दिखाने की कोशिश करूँगा तुमको। देखो इसमें कुछ दिखाई तो देता नहीं है, काफ़ी गहरा है, 9 मंजिल का कुआ है। ये देखो, ये नीम राणा की बावड़ी लोग घूमने आए हैं, आपको ले चलता हूँ मैं इधर से। ये देखो, ये पूरा नज़ारा है यहाँ का, आप देख सकते हैं टोटल। आज मैंने और राकेश जी ने घूमने का प्लान बनाया, तो ये मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ अभी। देखो ये टोटल वीडियो, ये राकेश जी हैं। और राकेश जी बताओ अपने बारे में कुछ। बस बढ़िया है सर, यहाँ का एक तो काफ़ी शानदार लुकिंग देखने का नज़ारा है। अच्छा, और राजस्थान के अंदर है। अच्छा, और ये 9 मंजिली है। अच्छा, वो महल है ना नीम राणा का, देखो मैं दिखाने की कोशिश करूँगा वो, देखो जूम करके। ये महल है, ये देखो आप नीम राणा का महल। अच्छा और बताओ राकेश जी, इसके बारे में कुछ विशेषता। ये विशेषता है कि इसके अंदर आपने जैसे एक कुआ देखा, यहाँ 9 मंजिल का है ये नीचे तक। अच्छा, और उसके बाद ना यहाँ जैसे अब तो बट पानी नहीं है, इसके अंदर पानी भी है। अच्छा, जैसे दूर दूर से इसके लोग क्यों देखने आते हैं। अच्छा, वहाँ जैसे महल है ना, वहाँ से यहाँ जैसे रानी नहाने के लिए आती थी। अच्छा, रानी यहाँ के नहाने के लिए आती, इस वजह से इसमें कुछ ऐसा हुआ, इस वजह से अभी ये बंद है थोड़ा। देखो दोस्तों, एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ पे बांस लगाए गए हैं, बैरिकेड। ये बैरिकेड इसलिए लगाए गए हैं कि यहाँ से कोई आगे आ नहीं सकता। और यहाँ पे देखो, ये देखो जो बर्मोक होती है उसके छत्ते लगे हुए हैं। तो अभी धूप ज़्यादा है, कुछ कैमरा साफ भी नहीं आ रहा। बाकी ये पूरी नीम राणा की बावड़ी है, वहाँ तक का ये सारा एरिया जंगली एरिया, पूरा टोटल एरिया जंगल एरिया। ये देखो दोस्तों, ये देखो, ये कुआ है।